स्वागत है दोस्तों थोड़ा अपना सांझा पंजाब टीवी ते। मैं भुपिंदर सिंह सज्जन। दोस्तों आपां गलबात करांगे राज्यसभा दे मैंबर राघव चड्ढा अते परिणीति चोपड़ा जिहड़े कि हिंदी फिल्मों की अदाकारा है, हिंदी फिल्मों दे विच काम करती है। दुनिया भर में वसदे लोग जिहड़े फिल्मों वगैरह देखण दे शौकीन ने उह परिणीति चोपड़ा नूं उहदे नाम अते उहदी शकल तों जाणदे ने। राघव चड्ढा जिहड़े सियासतदान हैगे ने जां जिहड़े सियासत दे नाल रुचि रखते सियासत दे विच ओह राघव चड्ढा दे नां तों वाकफ ने कि राघव चड्ढा कौन है राज्यसभा आम आदमी पार्टी दे वल्लों। सो उन्हां दोनों की कुड़माई हुई है। जदों कुड़माई हुई है तो उस कुड़माई दे विच हाजरी भरन वाले ज्ञानी हरप्रीत सिंह जथेदार उन्हां दे खिलाफ बहुत ही ज़्यादा मैं सवेर तो लैके हुण तक लगातार देखदा आ रहा सिख कौम दे अंदर बेहद रोस अते गुस्से की एक लहर वेखण नूं मिल रही है। हाँ, इत्थे इह वी हैगा कि कुछ सज्जण इदां दे वी हैगे ने जिहड़े ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दे हक दे विच बोलदे ने। उन्हां विचों कुछ सज्जण इदां दे वी हैगे ने जिहड़े इदां दी गल करदे हैगे आ सोशल मीडिया 'ते। मैं वेख रहा कहिंदे कि भाई जथेदार नूं असीं इह गल कहिणी चाहुंदे आ कि पुछ लिया करो पंथकां नूं पुछ लिया करो भाई कि कितें तुहाडियां भावनावां नूं सट ना लग जावे, असीं कित्थे जाइए ते कित्थे ना जाइए ते कित्थे मैं जाया करां ते कित्थे ना जाया करां। मतलब इन्नी ज़्यादा वह चापलूसी करदे आ, हद्दां बने टप जांदे हैगे आ। अच्छा, एक मैं चीज़ होर वेख रहा सोशल मीडिया दे उपर बहुत सारे वो लोग जड़े कल तक ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दे खिलाफ एक भी लफ्ज़ किसी दे कोलों भी सुनना बर्दाश्त नहीं सी करदे होंदे, अज उन्होंने भी पोस्टां लिख लिख के फेसबुक दे उपर सांझियां कीतियां ने कि जथेदार जी सानू तुहाडे तो इन्नी ज़्यादा उम्मीद नहीं सी कि तुसीं डिगदे हुण इन्ना ज़्यादा डिग जाऊंगे, वजह की हैगी आ सारा कुछ दसांगे। कुछ सज्जण इदां दे भी हैगे ने जिहड़े उन्हां दे हक विच बोल रहे ने, लिख रहे ने। उन्हां दा कहना हैगा कि कोई एड्डी गल नहीं हैगी, जे ये उत्थे चले भी गए आ तां इहदे विच कोई हर्ज वाली गल नहीं है। सो मेरे भी मन विच कुछ गल्लां चलदियां ने, तुहाडे मन विच भी दर्शको कुछ ना कुछ जरूर चलदा होऊंगा। इस सारे कसम लै के तुसीं अपनी राय लिखण की जरूर कोशिश करो ते मेरे अंदर जो चलदा पिया हैगा मैं वह बयानण की कोशिश करदा। पिछे स्क्रीन दे उपर दर्शको तुसीं एक फोटो देख रहे हो। इस फोटो दे विच दो तीन फोटोआं हैगियां, उन्हां बारे पहले मैं तुहानूं दस दिंदा। एक फोटो ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दी लाई हुई है आपां जथेदार उन्हां दी फोटो है। दूजी फोटो परिणीति चोपड़ा अते राघव चड्ढा दी जिन्हां दी कुड़माई हो गई है, एक दूजे नूं गलवकड़ी जी पाई हुई है और उन्हां दे हाथ जिथे ना इदां मिलदे आ दोनों दे। आ पिछे तुसीं देखियो स्क्रीन इदां जूम करके ना लागे जिहा करके देख लिओ, हो सकदा तुहाडे विचों कईआं ने फोटो देखी भी होवे। आ वाली जिहड़ी मैं तुहानूं चीज़ दिखाउणी चाहुंदा उह देखियो तुसीं, उहदे नाल ही जिथे हाथ जुड़े हुए ना उहदे नाल ही तुसीं देखो एक होर फोटो आ। उस फोटो दे विच परे नूं मूँह कीता होया दोनों ने बैठे हुए आ थले और सामने कीर्तन करने वाला रागी जथा कीर्तन करता पिया और जिथे का हाथ हुआ ना आप फोटो लागे करके देख लो जूम करके उत्थे जुत्तियां पईआं होईआं, एक जोड़ा पिया होया जुत्तियां दा। जे एक जोड़ा पिया होया जो फोटो खिंचण ले फोटो खिंची एक जोड़ा बिच आ गया, हो सकदा आसे पासे होर भी जुत्तियां जोड़े पए होए होण। हुण जिहड़ा सामने कीर्तन करने वाला जथा कीर्तन कर रहा, मैं सोच रहा सीगा भी उन्होंने एक बार भी ना कहा होगा कि भाई इतने कीर्तन होना हैगा गुरबाणी के प्रवाह चलने आ तुसी जुत्तियां जोड़े परे कर लो, रब जाने क्या कि नहीं क्या। अच्छा, फिर सामने जिथे वो बैठे हुए आ ध्यान दिओ, मैं फोटो इस करके लाई हुई है पिछे स्क्रीन के उपर, उस फोटो नूं तुसी ध्यान दे नाल देखियो। ज्ञानी हरप्रीत सिंह होर उत्थे जाना, रागी जथा उत्थे जाके कीर्तन करना जां ना करना, वाजब है जां नहीं वाजब है उह बाद दी गल हैगी आ, उह वी करांगे गल्लबात आपां, पर जिहड़ी चीज़ सामने नज़र आ रही है उहदे बारे तुसी जरूर अपनी राय दिओ। जिथे वो बैठे हुए ने एक सोफा जहा छोटा जहा कह लो या गधेला जहा कह लो वो उपर बैठे हुए आ दोहे जने, सामने कीर्तन करने वाले कीर्तन करी जा रहे हैं। इदा के हालात है, इदा के हालातों के इदा की सिचुएशन के लोगों के इदा के समागम जाके हाजरियां भरनिया रागी सिंह के वलों और जथेदार श्री अकाल तख्त साहब के वलों, किन्नी क वाजब गल है जरूर राय दिओ। एक मैं गल होर कर दिना, जथेदार श्री अकाल तख्त साहब सरबत खालसा ने जिन्होंने चुनिया सगा नज़रबंद तिहाड़ जेल दिल्ली भाई जगतार सिंह हवारा वो उत्थे हैगे ने, कौम का एक हिस्सा इन्हों जथेदार मानता ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां नूं कि कार्यकारी जथेदार ये ने। उदा उन्हां वल्लों थापे हुए जथेदार जिहड़े हैगे आ दमदमा साहब दे हैगे आ। इह चलो आपां जिहड़ियां गल्लां बातां करन वास्ते दर्शको मैं तुहाडे रूबरू होया वो ये आ। अच्छा, एक गल होर मैं तुहानूं दस दिंदा, तुसीं यकीन करके जाणिओ मेरी गल दे उत्ते, तुसीं यकीन करोगे पक्की गल आ, मैनूं तुहाडे विचों बहुते सज्जण यकीन करनगे। ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दे जिहड़े हाले भी हिमायती है कट्टड़ हमायती डट के ऐन पूरी तरह, वो बिचे ही बिचे परिणीति चोपड़ा बिचे आम आदमी पार्टी वाले बिचे राघव चड्ढा,
पता की सोचते होने सवेर तो लैके हुण तक जिस तरीके कौम दे वल्लों विरोध किया जा रहा वो इदा सोचते होने सारे जने कि असी हाथी हाँ हाथी अपनी चाले तुरया जा रहा तो कुत्ते भौंक रहे बिचे मैं भी हाँ असी उन्हां दी नज़र में पता कौन वा कुत्ते हाँ सानू कुत्ते समझदे आ कहिंदे वी कुत्ते भौंक रहे आ असी अपना काम करी जाणा और है भी इदा ही आ अगले अपना काम करी जाण रहे आ और असी मैं एक बेनती करदे आ जिहड़े आगू खास करके वख वख जथेबंदियां दे आगू उन्हां नू मैं हथ बन के बेनती करनी चाहुंदा खास करके तुहानू पत्रकार भाईचारा हो गया और जिहड़ा साडा प्रचारक भाईचारा हो गया गुरु साहब जी ने गुरबाणी विच आख्या हम कूकर तेरे दरबार के पातशाह जी ने खुद अपने आप नू अपने आप दे लई लफ्ज़ बोलिया कि हम कूकर हे पातशाह जी हे अकाल पुरख वाहिगुरू असी तेरे दर दे कूकर हाँ कूकर दर हुंदा कुत्ता भौंके अग है बदन पसार सो भौंकना साडा काम है पत्रकारां दा ते प्रचारकां दा असी भौंक रहे हाँ ना वो समझदे आ मैं अपनी जथेबंदियों के आगुओं को यह गल कहनी चाहुंदा कि तुसी ना ये काम करो तुसी माड़ी माड़ी गल जरूर करो इस इदां दीआं जदों घटनावां सामने आउंदीआं आ अगले अपना काम करन रहे आ असी मगर पिट्टी चले जाने उन्हें आह करता उन्हें वह करता असी उन्हां दे दुआले होए रहिंदे आ मैं ये गल कहनी चाहुंदा कि तुसी मैं आगुओं नूं कहना चाहुंदा कि तुसी एक्शन कराया करो तुसी काम कराया करो वो तुहाडे मगर फिर नुक्ताचीनियां कराया करन तुहाडियां जे करनियां बणदियां हुण तां वह कराया करन वो एनालिसिस कराया करन भी तुसी जो किया चंगा किया जां तुसी माड़ा किया पुठे सीधे काम पुठे जां सीधे काम वो करदे आ कौन भला जिन्हां नूं असी कहिंदे आ कि पंथ अते पंजाब विरोधी पुठे जां सीधे काम वो करदे आ असी समेत पत्रकार भाईचारा साडे वाला विच मैं भी आ जांदा और विच साडे आगू भी असी नुक्ताचीनियां करन दे उत्ते लगे होए हुंदे आ जां शलाघा करन ते लगे होए हुंदे आ मैं अपने पंजाब प्रस्तां नूं अते पंथ प्रस्तां नूं यह बेनती हथ बन के करनी चाहुंदा तुसी काम करो तुसी एक्शन करो असी तुहाडे चंगे एक्शन की इत्थे बैठ के स्टूडियो शलाघा करिया करिए असी भौंकिया करिए जे कि भौंकण वाला काम होया करूँगा तुसी ना इदा करिया करो मैनू बहुत ज़्यादा तकलीफ होंदी इस गल की मैं तुहानूं सच्ची दसां गल इदां ही एक अकाली आगू विरसा सिंह बलटोआ उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है उन्होंने भी ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दा उत्थे जाना चंगा नहीं लगा मैं उन्होंने भी सवाल करना चाहुंदा कि तुहानूं ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दा उत्थे जाना तां चंगा नहीं लगा भई मैं तुहानूं जरूर यह गल कहनी चाहुंदा बादल क्या नूं भई तुहानूं मैं यह गल कहनी चाहुंदा कि तुहानूं बुरा क्यों लगता भाई तुहाडे लई मेरे कोल जवाब एक यह हैगा कि जे वह तुहाडे आ सकदे आ ना जिन्होंने पंजाब ते पंथ दा घाण कीता जिन्हां नूं फखरे कौम दे नाल नवाजिया पर कौम नूं पता हैगा भी वह कौन ने जिहड़े अपने इन्हां मोढ़ियां दे उपर RSS ते BJP की विचारधारा नूं हिंदू तवी विचारधारा नूं हिंदू हिंदी और हिंदुस्तान के एजेंडे नूं तुहाडी अडरी ते वक्री होंद हस्ती नूं निगलण वास्ते जिहड़े तरलो मच्छी हो रहे हैं उस सोच नूं पंजाब दे पिंडां तक रसोईयां ते खेतां तक लै के आउण वाले जिन्हां नूं तुसीं फकरे कौम दे खिताब दित्ते जां अगला ने आप ही खरीद लिया तुहानूं थाप थाप के जदों उत्थे जा के यही जत्थेदार हाजरियां भरदा फिर तुहानूं ठीक लगदा आ क्यों बई तुहानूं फिर इतराज़ क्यों आ मैं तुहानूं कहना चाहुंदा अकालियां नूं जिहड़े वो विरोध करदे आ भी तुहाडे तुसीं कहिड़े मूंह नाल विरोध करदे जो भला तुसीं मैनूं दसो ना तुहाडा विरोध करन ते बणदा ही नहीं हैगा मतलब तुसीं ये कहना चाहुंदे हो भई असीं तैनूं बणाया साडे जोगा रहि भी जे तुहाडे जोगा जिहड़े कौम दा घाण फिर उत्थे भी चल गया तां उत्थे भी फिर की फर्क पै गया हाँ पंथ प्रस्त अते पंजाब प्रस्त वो जरूर नुक्ताचीनी करन उन्हां वल्लों नुक्ता कीती शोभदी है सो तुसी मैनूं लगता बोलते नहीं शोभदे हैगे पंथ प्रस्त ते पंजाब प्रस्त वो शोभदे है पर उन्हां विच्चों मैं सारिआं नूं फिर तीजी वारी कहण लगा तुसी एक्शन कराया करो तुसी इन्हां दे दुआले ना होया करो थोड़ा होया करो दुआले पिया की कीता वह की कीता तुसी अपना काम करो वो नहीं ठीक काम करदे ना गलत करदे आ तुसी ठीक कराया करो तुहाडे बारे साडे वर्गे पत्रकार बैठ के गल्लां कराया करन जे तुसी कुछ चंगा कीता जे नुक्ताचीनी करन वाली गल होंगी असी जिहड़े इह पुठे काम करदे आ उहदे वास्ते भौंकण नूं असी तैयार हां असी हैगे आ भौंकण वास्ते वो इदां ही कहिंदे होणे आ असी अपना काम कर लिया साडा विआह वी हो जाणा इवें भौंकी जाण डे आ इदां समझदे होणे आ तुसी मन्नो मेरी गल शायद तुहाडे चों बहुते यकीन करनगे इस गल दे नाल सहमति प्रगटाउणगे भी हाँ भी इदां ही होया अच्छा एक मैं ना कोई न्यूज़ चैनल हैगा उत्थे खबर सुना रही सी एक बीबी उस बीबी ने खबर सुनाते हुए पता की आख्या एक वीडियो दिखाई जा रही थी जिद ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरी इदा तुरे जा रहे हैं और पिछे खबर बीबी बोल रही थी वो खबर सुना रही थी कि राज्यसभा के मैंबर हिंदी में खबर सुना रही थी वह राज्यसभा के मैंबर राघव चड्ढा भी वो कुड़माई हो गई आ रिंग सैरेमनी हुई है परिणीति चोपड़ा के नाल और सिक्खी रस्मां रवायतों के मुताबिक ये कार्ज उन्होंने करना आ सिक्खी दीआं रस्मां रवायतों के मुताबिक उन्होंने कार्ज करना आ और इस कार्ज नूं नेपरे चढ़न दे वास्ते
पंडित जी भी आण पहुंचे हन। हद हो गई, कमाल की गल है। चलो आप इतें भी गल कह दें कि उन्होंने बेचारे नहीं पता होगा भी की लफज बोलना, जथेदार बोलना जा की नहीं बोलना। उन्हें पंडित जी कहता, मैं वेख रहा थले किस जन ने कमेंट किया कि नहीं भैने पंडित जी नहीं आ हो, वो केसाधारी हिंदू आ। चलो इदां दियां गल्लां बातां हो गईयां। अच्छा एक होर वीडियो वायरल हो रही है, सोशल मीडिया से बड़ी चर्चा हो रही है, लोग हस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। एक गल दे नाल शायद तुसीं जरूर सारे जने सहमत होंगे जिहड़ी मैं हुण गल करन लगा। मेरे ओ वीरो, असीं जिस रूप दे विच हुंदे आ ना, जिद्दां दा साडा पहरावा हुंदा आ, वह बहुत असर पाउंदा हैगा। हुण अजक जिदा के विआह शादियां, जिदा के प्रोग्राम हुंदे आ, डीजे लगे हुंदे आ, धम धम वजण लई हुंदी आ, गाने चलणे हुंदे आ, उत्थे तुसीं दमाला बन के गात्रे कृपान उपर भी पा के जो तुसीं इदां दे रूप दे विच उत्थे जांदे हो ना, उत्थे तुसीं अपने वल्ले झात मार के देखो भी मैं कौन हाँ, मैं किदां दा दिस रहा हाँ, फिर सोच के देखो कि तुसीं उत्थे बैठे किन्ने क शोभदे हो, नहीं शोभदे। अपने आप नूं शर्मिंदगी जी महसूस होण लग पैंदी है भी मैं इत्थे नहीं जाणा, और लोग जिहड़े हुंदे ने उह नहीं जांदे, कई वार उत्थे कहिंदे नहीं सानूं उत्थे जाके शर्मिंदगी महसूस हुंदी है। रिवाज उल्ट हो गया, अज हालात बदल गए, समां बदल गया, लोक भरावा पता नहीं खरे सियाणे हो गए आ, रब जाणे उन्होंने लगता कि सानू सियाणप हुण आई आ, सानू अगे तो सानू खरे अकल ही है नहीं सके। मैनू चेता आ, तुहानू भी चेते होगा, छोटे छोटे होंदे सके तो जदों ना ब्याह शादियां होंदे होंदे सके तो जिहड़े लोग पीन खाण दे आदी होंदे सके, शराब जिन्हां ने पीनी हुंदी सी वह लुक के पीते होंदे सके, लुक के कि सानू कोई देख ना लवे, भी सानू जे किसी ने देख लिया ना सानू लाणता पाउणी, उन्होंने सानू मजाक करना, उन्होंने वो लोग पीते होंगे सके, तो लंगर पानी सारे जने कट्ठे बह के एक जगह छकते होंगे सके, पीन वाले लोग पीते ही। अज हालात कि बन गए भला, अज हालात ये बन गए कि टेबलों के उपर शरेआम मीट शराबा दे दौर, बोतल एन टका टका के रखी होंगे, सामने डांसर स्टेज के उपर नचण रही होंगी है। तो तुम सोच के वेखो जे उ कोई दमाले वाला कोई सिंह सिंघनी चले जाए ना, जे वह तक के आवे घरों भी प्रशादा उत्थे ही छक के आना, तो तुसी देखो लुक के रोटी खाण डे होंगे, लुक के भी कित कोई देख ना लवे सानू भी इदा के माहौल में यह बह के रोटी खाण डे आ। जागले कई बार कहें आप रोटी खानी नहीं, असी घर चलते हैं, राह बाटे खा लाँगे कितों कुछ लैके जा, घर जाके असी लूण वाले चौल उबाल के बना के तो बिच पा पू के प्याज तो आलू वह खा लाँगे, दही दे नाल वह नहीं खा के आते रोटी। अज हालात इदा के हालात बदल गए, साडा सभ्याचार साडा सारा कुछ बदल गया। खैर आप फिर अपनी गल दे उपर आने, वो गल ये है कि जोड़ा उत्थे माहौल सिरजा जा रहा सगा हासे मखौल वाला, पता नहीं की करन गए। हुण एक गल होर मैं वेख रहा सवेर तो लैके हुण तक, जथेदार ना हरप्रीत सिंह होरी कदे भी मुड़ के जदों कोई इदां दी गलबात हुंदी है, जदों कौम विरोध करती है, पंथक सभा जदों विरोध हुंदा हैगा, कदे भी मुड़ के लाइव सामने आके ना यह नहीं कहिंदे हैगे कि मैं इस करके गया सगा, मेरे जाण दी आह वजह सीगी, भी इस करके मेरा जाना वाजब सगा, इदां दी गल कदे करदे नहीं हैगे। इहदा मतलब की कढ़िया जावे भला, की इहदा मतलब फिर ये ना कढ़िया जावे जिहड़ा मैं पहला कह के हटिया, पहला कहिंदा हुण भौंकी जाण दिओ इहनां नूं, मैं अपना काम करी जाना, यही हो सकता फिर मतलब इहदा। हद वा यार, कोई कमाल दी। एक सज्जन ने एक होर भी गल हैगी, उन्होंने ना पोस्ट लिख के पाई हैगी, मैं तुहानूं जरूर पढ़ के थोड़ी जी सुनाउणी चाहूँगा। उन्होंने ना वाजबी दस्सिया हैगा, कहिंदे भी इन्हां दा उत्थे जाना वाजब हैगा, पर जिहड़ियां गल्लां मैं तुहाडे नाल करके हटिया ना पिछे स्क्रीन दे उपर तुसीं देख सकदे हो, जिस तरीके दा उत्थे माहौल हैगा वह ठीक नहीं हैगा। रागी सिंह नूं जिन्हां जिन्हां ने भी फोन किया ना, रागी सिंह ठोक के टणका के नहीं कह सके भी हाँ भी ठीक सी सारा कुछ, हाँ इदा अजदा मैं कह के हटिया ना, इदा करन डे आ। जिन्हें जिन्होंने फोन कॉल की है ना, उन्होंने पुछ के वेख लियो, सोशल मीडिया से घूमती पई है, कई ने पाती है कहें आही गल की उन्होंने नाल, जवाब नहीं आता। इहदा मतलब की बनया भला, इहदा मतलब उन्होंने खुद को पता आ कि असी उत्थे माहौल ठीक नहीं सगा, तो साड़ी कोई गलती हैगी, अपने आप में उन्होंने घाट रड़कती है इस गल की, पता हैगा, मतलब मन जानत सब बात जानत ही औगण करे, कानू जाने यार, काहे कि कुसलात हाथ दीप कुएं परे, हाथ के दीवा तो फिर भी बंदा खूह के डे पवे जे, माड़ी गल आ ना फिर। सो इदा की पता हैगा अपने आप में। मैं ये गल करता कि एक आम बंदा कोई साढ़े वर्गा होवे ना, शोभदा आ, चलो कई गलों शोभदा नहीं हैगा, वैसे मेरे को शोभदा कह हो गया, जां कह लो भी उन्हूं कोई लाणता वाली गल एड्डी ज़्यादा हुंदी नहीं हैगी, बंदा कहिंदा भी आम ही हैगा, यह कोई गल नहीं हैगी, पर जदों तुसीं किसे खास रुतबे दे उपर हुंदे हो ना, फिर तुहाडी कल्ली कल्ली गल नोटिस की जाती है, दुनिया भर में तुहाडा एक सत्कार हुंदा, एक रिस्पैक्ट हुंदी है, और जो तुहाडा मजाक जिथे उड़दा होवे
ਤੁਸੀਂ ਟੜਕਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਓ ਉੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਾਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਪੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਮੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਉਹ। ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ। ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ। ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ। ਤਰਸ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰ ਲਈਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੱਦ ਵਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਡਰੀ 'ਤੇ ਨਾਰੀ ਹੋਂ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਜੀ ਵੱਜਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਹੱਦ ਵਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਢੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਧਨਾੜ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ, ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਰਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਗ ਤੋਂ ਲੱਕ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ, ਦੰਦ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਬ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਂਗਲਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਖੰਡ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਹਟਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸੱਦਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜੇ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੋੜਾ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਵੇ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਧਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਛੂਆ ਛਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਆ ਛਾਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਲਿਆਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਈਮੇਲ ਹੈ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ
सिखां नूं इह गल समझनी पवेगी कि हरेक गल फेसबुक ते नहीं कीती जा सकदी ते हरेक बार सिर्फ आपदे धड़े दी सियासत चों फतवा नहीं दिता जा सकदा हुंदा। जदों सिख संकट विचों लंघ रहे ने तां इह किवें मन्निया जा सकदा है कि जथेदार दी पदवी दे उत्ते बैठा बंदा इस संकट ते उहदे ते उहदे असर तों अभेज रहूंगा। वाकई इह गल वाकई दमदार हैगी आ जिहड़ी गल वा ना कि जे सिख समझदे आ कि असीं अज बड़े ही एक संकट भरे दौर दे विचों लंघ रहे हां, जे सिख कौम संकट भरे दौर दे विचों लंघ रही आ तां कुदरती गल है कि जिहड़ा उस अहुदे दे उपर बैठा हुआ जथेदार आ उह वी अभिज नहीं होऊंगा उस संकट तों, उहदे ते वी उस संकट दा असर जरूर होऊंगा ही होऊंगा। ठीक है, मान लैंदे आ जी आपां, पर पदवी दा वी कुछ सत्कार हुंदा है। सिखां नूं इह समझ नहीं आ रही कि उह व्यक्तियां दा विरोध करदे करदे संस्थावां नूं वी निशाने ते लै लैंदे ने। मेरा ख्याल वैसे नहीं सिख लेंदे नहीं हैगे, अकाल तख्त साहब नूं थोड़ी सिख कहिंदे हैगे आ, ना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं, उत्थे काबज़ जिहड़े लोक हैगे आ उहनां दी ही खुंबट पाई हुंदी आ, जिहड़े सिधांत हैगे आ उहनां नूं ना कोई माड़ा कहिंदा ना संस्थावां नूं कोई माड़ा कह रिहा हैगा। खैर चलो, जिहड़ी वीर ने गल लिखी हैगी आ इदां हुंदी वी आ कई वारी, इदां कई सज्जन दा करदे वी हैगे शायद, उस करके उहनां ने कुछ लिख दित्ता होऊंगा इदां दा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਲਿਖਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖਤ ਆਹ। हो सकता थोड़े विचों कई सज्जन इस गल नाल सहमत होण, पर मैं एक बेनती करा जिहड़ी गल करन वास्ते दर्शको मैं तुहाडे रूबरू होया सीगा वह गल सिर्फ ते सिर्फ इह सीगी, पार्टी कोई भी होवे उत्थे जे कोई सत्कार दे नाल जे कोई परिवार किसे नूं बुलाउंदा है ना, जे तां देखो तुहाडी पदवी जो तुसी हो, गुरु साहिब जी ने जो तुहानूं बनाया कि खालसा मेरो रूप है खास, जे तुहाडा उह खास रूप जिहड़ा तुसी लै के उस जगह दे उपर जाने हो, जे तुहाडी शान उत्थे बहाल रहिंदी है, जे तुहानूं उत्थे एडे रुतबे दे उपर बैठे होने भी नज़रअंदाज किया जाता, जे उत्थे आ जोड़े जिदा मैं तुहानूं दस रहा स्क्रीन दे उपर तुसीं पिछे देख सकते हो, जे उत्थे लागे पए तां कीर्तन करन वाले सामने कीर्तन करी जा रहे हैगे, आपां तां उस गल दा विरोध करदे हां। जे अगले ने कहा भी नहीं इदां ही रखना आपां सारा कुछ ते तुसीं इदां ही कीर्तन करना ते इदां दे माहौल 'च ही तुसीं आ के हाजरी भरनी आ, मैं ते तां करके विरोध करदा, फिर तुहानूं उत्थे नहीं सी जाणा चाहीदा, फिर तुहानूं कहना चाहीदा भी नहीं बई असीं नहीं इत्थे कीर्तन करदे। जथेदार होर भी कहिंदे कि ना भाई कीर्तन ना करो, मैं भी चला जे इतों, तुम माहौल बनाओ उदा का, बैठो थले भुंजे क्यों नहीं बह सकते, आ फिल्मा जो बन दया आ उत्थे तो भुंजे बैठे होंगे आ, उत्थे लिट भी हो जाता, उत्थे बह भी हो जाता, इतने भी बह हो जाता है, कोई एड्डी गल नहीं हैगी, कहना पैंता माड़ा मोटा क्या करिए। मैं तो यह गल करने वास्ते दर्शको थोड़े रूबरू हाँ, सिर्फ अखीरली गल एक बार फिर पहला कर हटिया दोबारा करके समाप्ति करते हैं, वो ये है जिहड़े साडी कौम दे छोटियां जथेबंदियों तो लैके वड्डियां जथेबंदियां तक दे आगू हैगे ने उहनां नूं मैं हथ बन के बेनती करनी चाहुंदा है, तुसीं एक्शन प्रोग्राम दिया करो, तुसीं कुछ करिया करो, तुहाडे कीते हुए कम्मां दे उपर साडे वर्गे पत्रकार ते विरोधी धिरां ते अगले ओ जिन्हां दे बारे असीं टीका टिप्पणियां करदे आ जां तुसीं टीका टिप्पणियां करदे हो उह करिया करन, चर्चा तुहाडे ते उह करिया करन, उहनां दे कीते हुए चंगे ते माड़े कम्मां दी चर्चा ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਪਿੱਟਿਆ ਕਰਨ ਫਿਰ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਅਗਲੇ ਪਿੱਟਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੰਮ, ਉਹ ਪਿੱਟਿਆ ਕਰਨ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ, ਪਿੱਟਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਟੀ ਜਾਣ ਅਗਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਸਾ ਆ, ਰੱਬ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
समेत तुहाडे समेत मेरे साडा सारयां दा ही तोरी फुलका किसे ना किसे कामकार तो ही चलदा। मैं पत्रकार वां, मैनू पत्रकार वजो कोई ना कोई तनखाह पानी मिलदा होऊंगा, मेरा उहदे नाल गुजारा चलदा। तुसीं हो सकदा लक्कड़ दा काम करदे होवो, तुहानूं उहदी तनखाह मिलदी होऊंगी, तुसीं उहदे नाल गुजारा करदे हो सकदा तुहाडा कोई अपना बिजनेस होवे, तुसीं उहदी उहदा उत्थों पैसे तुहानूं आउंदे होण, हो सकदा तुसीं सरकारी जॉब करदे होवो तुहानूं उत्थों पैसे आउंदे होण। हुण मैं आखां जी जां कोई आखे लै तूं तां लक्कड़ दा काम करदा, तेरा तेरा तोरी फुलका उत्थों तुरदा, इह किहड़ी गल होई? ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਕਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।